पिछले 2-3 दिन से सभी लोगों में बहुत शक है और प्रश्न है कि ये फॉर्म अगर भरना है तो मेरे पास रेशन कार्ड नहीं है तो क्या करूं बोल के पूछ रहे। मैं एक ही डाउट आपको क्लियर करूंगी। अगर आपके फैमिली में अगर माँ बेटा माँ बाप और 2 बेटे को ऑलरेडी रेशन कार्ड है, लेकिन ये दोनों बेटों के इस 10 साल में शादी हो गई, उनके लिए उनको वाइफ आ गई और उनको बच्चे भी पैदा हो गए, तो इनका एडिशन अभी नहीं हुआ, तो क्या करें? अगर आप सब पूरा फैमिली मेंबर्स खानदान पूरा एक ही घर में एक ही डोर नंबर में रह रहे तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म बसे। ऐसा नहीं है अगर बेटा बहू और बच्चे दोनों सेपरेट सेपरेट घरों में रह रहे, डोर नंबर सेपरेट है, तो एक एक डोर नंबर को एक एक एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए और आपके घर के डिटेल्स जो है, आपके घर के लोग बच्चे वो सब है, उनका आधार कार्ड डिटेल्स इसमें लिख के आधार कार्ड जीरोक्स और फोटोग्राफ भर के दे के ये भर के आप यहाँ सबमिट कर दीजिए, ये काफी है। अगर नया रेशन कार्ड नहीं है तो मार्केट में ऐसे फॉर्म्स बहुत मिल रहे हैं, ये सब में मत जाइए। अगर नया रेशन कार्ड आपके पास नहीं है तो केवल इस फॉर्म में आप नया रेशन कार्ड चाहिए बोल के रिक्वेस्ट दे दीजिए। अगर आपके पास पेंडिंग ऑनलाइन नंबर है तो ऑनलाइन नंबर ब्रैकेट में दे दीजिए और ये एप्लीकेशन फॉर्म दे दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म देना ही हमारा फर्ज है अभी तक, क्योंकि इसका गाइडलाइंस अभी तक किसी को भी नहीं पता, ये केवल रेवंत रेड्डी साहब को पता है, अभी तक गाइडलाइंस बाहर नहीं आए। गाइडलाइंस क्या है, ये पूरा भर देने के बाद ये पूरा ऑफिसरों के पास जाके ये ऑफिसर स्क्रूटनी करके आपके घर को फिर वॉलंटियर्स आके आप 2500 चाहिए बोल के टिक किए ना, आपको कैसे देना, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस देखते, आपके पास पैसे कितने है, घर है कि नहीं है, आप जॉब करते कि नहीं जॉब करते। अगर आपके पास आपके घर में ऑलरेडी पेंशन आ रही है, अगर कोई हैंडीकैप पेंशन हो, सिंगल वुमेन पेंशन हो, ऐसा कुछ पेंशन आ रही है, तो ये 2500 चालू है। अगर देते कि नहीं देते ये किसी को भी नहीं पता। 500 रुपीज सब्सिडी देते बोले गैस को, ये देने के बाद 200 रुपीज यूनिट करंट फ्री देते बोले, ये देते कि नहीं देते ये भी नहीं पता। एक ही घर में 4 अगर बेनिफिट्स है तो पूरा बेनिफिट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये सभी किसी को भी नहीं पता। ये गाइडलाइन सिर्फ रेवंत रेड्डी साहब को पता है। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म देना ही अपना ड्यूटी है। एप्लीकेशन फॉर्म भर के देने के बाद ये स्लिप आपको देते हैं, ये स्लिप आप महफूज रखिए, क्योंकि ये स्लिप को आपको फॉलो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो भरते तब आपका एड्रेस, आधार कार्ड का एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर सही लिखिए और परमानेंट वाला लिखिए, बस वही काफी है। ये जो बाद में है, कितने महीने रखते, क्यों देते, कैसे देते, कब को देते, किसको देते, क्यों नहीं देते, ये सब कुछ किसी को नहीं मालूम। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म देके भर के यहाँ सबमिट कर दीजिए।